कोरापुट से दिल्ली जाने के लिए जो मेरा ये एपिसोड चल रहा है ये उसका थर्ड पार्ट है। अगर आप फर्स्ट दो पार्ट नहीं देखें तो यहाँ आई बटन में जो लिंक आता है हाँ यहाँ पर आप क्लिक करने से आप वो भी देख सकते हैं। अब मैं बैठ गया प्लेन के अंदर। मैं बैठा था ठीक इमरजेंसी एग्जिट के पास, तो अगर भगवान ना करे कुछ हो जाए तो यहाँ से बाहर जा सकते हैं। अब होता है सिक्योरिटी का अनाउंसमेंट, क्रू मेंबर्स का अनाउंसमेंट, फिर डेमोंस्ट्रेट किया जाता है कैसा यूज करेंगे आप सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स। सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद प्लेन रेडी हो जाता है टेक ऑफ करने के लिए। आप देख सकते हैं साइड में एक प्लेन आके बस रुकता है। हमारा प्लेन अब टेक ऑफ करने वाला है। प्लेन उठा ऊपर वाइजाक शहर के ऊपर। विशाखापट्टनम शहर कैसा दिखता है आप ऊपर से आप देख सकते हैं। देखिए बस अब हम सब हैं आकाश के ऊपर, क्योंकि ये बारिश का मौसम था तो आप बादल भी देख सकते हैं और प्लेन बादल के अंदर से होके उड़ता जाता है। ये एक्सपीरियंस भी अनोखा है। अगर आप कभी फ्लाइट में नहीं गए हैं तो एक बार ये भी ट्राई कीजिए। अब कुछ नहीं, सिर्फ बादल और हम। लंच देने के लिए अनाउंसमेंट हो गया। सामने वाला जो ट्रे है उसको खोल देते हैं। मैं खोल दिया, लंच भी परोस हो गया। आप देख सकते हैं इस पैकेट के अंदर बिरयानी है। ये जो है इसमें स्पून से टिश्यू पेपर से प्लास्टिक नाइफ है, बटर है, ब्रेड है, सलाद है, और ये जो कप है इसमें चाय या कॉफ़ी देंगे आपके रुचि के अनुसार। बस मेरा खाना भी खत्म। प्लेन जाता है
बादल के अंदर से। लैंडिंग के लिए अभी अनाउंसमेंट होगी, फिर सब अपना अपना बेल्ट बांध के ढाई घंटे का ये सफर था। प्लेन हमारा पहुंच गया दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये तो मैं पहुंच गया दिल्ली। अगर आप इसके बाद का एपिसोड मैं दिल्ली में कैसा गुजारा दो दिन वो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फिर मिलेंगे अगला एपिसोड में।